समाजवादी पार्टी की हार पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, उसी से बात की शुरुआत करते हैं। ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें ढाई गुनी और मत प्रतिशत डेढ़ गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा, यह अखिलेश यादव का ट्वीट आज। वैसे नतीजे कल ही आ गए थे, लेकिन ये ट्वीट उनकी पहली प्रतिक्रिया है इन नतीजों पर। और इसमें वो ये बता रहे हैं कि कैसे उनकी सीटें बढ़ी हैं, उनका वोट फीसद बढ़ा है और कैसे भारतीय जनता पार्टी की सीटों को वो घटाने में कामयाब रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि बहुत सारा भ्रम और छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा और जनहित का संघर्ष जीतेगा। ट्वीट का कंटेंट हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिया है और आपकी स्क्रीन पर नतीजे भी हैं। समाजवादी पार्टी की और गठबंधन की जीती हुई सीटें भी आप देख पा रहे हैं और उनका ट्वीट भी आप देख पा रहे हैं। जिलावार जो नतीजे सामने आए हैं वो भी हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। अखिलेश यादव का ट्वीट भी आप देख सकते हैं। ये अखिलेश यादव का ट्वीट कल के नतीजों के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया है, ये पहला रिएक्शन है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जनता को धन्यवाद दिया है समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ने पर, वोट प्रतिशत बढ़ने पर, और भारतीय जनता पार्टी की सीटों के घटने को उन्होंने अपनी सफलता बताया है इस ट्वीट में और कहा है कि यह घटाव निरंतर जारी रहेगा। यह उन्होंने करके दिखा दिया है, यह अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बताया है। ट्वीट जो उन्होंने किया है वो आपकी स्क्रीन पर है। तो आपने समाजवादी पार्टी और उनके सुप्रीमो का ट्वीट देख लिया। आइए बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में बीएसपी की करारी हार के बाद आज मायावती मीडिया के सामने आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मायावती ने कहा कि बसपा के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया, सपा पर भी हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सपा की तरफ से हमें भाजपा की बी टीम बताया गया। करारी हार के बाद पहली बार पब्लिकली अपनी बात सार्वजनिक रूप से कही यहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। देखिए क्या कहा उन्होंने। यूपी का वर्तमान चुनाव परिणाम बीएसपी के करोड़ों लोगों की रात दिन की कड़ी तन मन धन की मेहनत का ये वाजिब फल कतई नहीं है। फिर भी बाबा साहब के अनुयायी पार्टी होने के नाते इस पार्टी के लोगों को अपनी हिम्मत कतई नहीं हारना है, बल्कि पत्थर काट कर रास्ता बनाने का अपना प्रयास व संघर्ष हर हाल में आजीवन जारी रखना है। मुस्लिम समाज का वोट यदि दलित समाज के साथ मिल जाता, जैसा कि बंगाल के चुनाव में टीएमसी के साथ मिलकर भाजपा को धराशायी करने का चमत्कार परिणाम दिया था, तो फिर वैसे ही परिणाम यहाँ भी दोहराए जा सकते थे। साथ ही ये लोग हमेशा इस तथ्य को ऐन वक्त पर भूल जाते हैं कि केवल बीएसपी ही यूपी में भाजपा को सत्ता में आने से रोक सकती है, सपा नहीं। इनकी इसी गलत सोच का ही ये नतीजा है कि भाजपा फिर से सत्ता में वापस यहाँ आ गई है। इस बार चुनाव में मुसलमानों का वोट एक तरफा सपा की ओर जाते देखकर दलित वर्ग में से मेरे खुद के समाज को छोड़कर बाकी सभी हिंदू समाज में सपा के रहे गुंडा माफिया आतंकी व भ्रष्ट राज को याद करके तथा ये सोचकर कि कई हिंदुओं का वोट बटने से सपा सत्ता में वापस ना आ जाए, इसके डर से इन्होंने बीजेपी की नीतियों व कार्यशैली से दुखी व परेशान होते हुए भी अपना एक तरफा वोट बीजेपी को अंदर अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। मायावती की बात आपने सुन ली।